नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर एक प्राणी के शरीर का पालन पोषण जो होता है वह मुख के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, पेट में जाता है, पेट में उसका रस प्राप्त होता है और पूरे शरीर को वह एनर्जी देता है, वह शक्ति प्रदान करता है। यदि हम हमारे शरीर में एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा शरीर हष्टपुष्ट हो, अच्छा हो, शक्ति से युक्त हो, तो हमें अच्छा भोजन करना चाहिए और वही भोजन करना चाहिए जो अच्छी तरह से पाचन हो जाए, पच जाए, अच्छी तरह से पच जाए, जिससे हमारे शरीर को आवश्यकता अनुसार एनर्जी प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो। तो इस सूक्ति में बताया गया है कि अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्णे अपच होने पर अर्थात जो हम खाना खाते हैं वो नहीं पचता है, तो ऐसा भोजन क्या होता है? विषम, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। जो भोजन पचता नहीं है हमारे शरीर में, वह नुकसान करता है, एसिडिटी हो जाती है, गैस बनने लगती है। तो इसलिए हमें भोजन वही करना चाहिए जो आसानी से पच जाए और आसानी से पच जाने पर हमारे शक्ति शरीर को शक्ति प्राप्त होती है और हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सक्रिय हो जाता है। अच्छा भोजन करने पर, और अच्छा भोजन वही है जो अच्छी तरह से पच जाए। तो साथियों, हमें ध्यान रखना है कि अजीर्णे भोजनम विषम, नहीं पचा हुआ भोजन अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है। इसलिए हमें भोजन वही करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। धन्यवाद।